अल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अगला पार्ट है उस पर मूव कर रहे होंगे। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो कर रहे होंगे कि नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं द प्रीफिक्सेस यूज्ड इन नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्टेन, डेक। या पोलर्स में भी करके हैं, मेथ का मतलब वन कार्बन, फिर टू, थ्री, फिर फोर, फिर फाइव एंड सो ऑन। अच्छा, ये यूजली जब आप करते हैं तो आपको ये सारा कुछ ज्यादा से ज्यादा जो आपका पाला पड़ता है वो हेप्ट तक है, ऑक्टेन डेक तक नहीं पड़ता। तो हम इन पर ज्यादा गौर नहीं करते और ना इनके कोई स्ट्रक्चर बनाने हो कहते हैं। ऑक्ट में कभी कभी एग्जाम्पल दे हम रूल्स की तरफ बात करते हैं। ये रूल्स भी आप बोले उसमें पढ़ के आए हुए हैं और यही है कि आपने नेमिंग के दौरान लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। इफ टू कार्बन चेन आर इक्वल इन लेंथ देन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच हैज मोर ब्रांचेस, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच इज क्लोजर टू द फर्स्ट ब्रांच, द नंबर व्हिच गिव्स लोकेशन ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड लोकेंट, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेंट, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, नंबर्स एंड लेटर्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन्स और डैश। ये जब हम नेमिंग कर रहे होंगे तो ये दोनों रूल्स आपको देख लेंगे आप। सम ब्रांचेज आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सेस सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा, ये भी आप देख रहे होंगे। इफ मोर देन वन साइड चेन्स आर प्रेजेंट देन मोर नेम देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट, नेम द सिंगल वर्ड। आपने जो नेम लिखना है वो सिंगल वर्ड के तौर पर लिखना है, ठीक है। ब्रांच पहले और नेम लिखने में पहले ब्रांच आएगी फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी, ठीक है। अच्छा जी, और अच्छा जी, इसको नेम करना है अब हमने, इसको नेम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, वन ये वाली है, वन टू थ्री, पांच कार्बन है ना, वन टू थ्री फोर फाइव, बिल्कुल है पांच कार्बन, तो हम ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये वाली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसमें होगा ये कि इसका नाम क्या होगा, नाम इसका होगा टू मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने वर्ड एक ही सिंगल वर्ड लिखा है नाम लिखते हुए और इधर टू डैश मिथाइल लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली हो सकती है, वन टू थ्री फोर, नहीं तो फोर है। अच्छा, ये हो सकती है वन टू थ्री फोर फाइव, ये कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर ली। अब आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग आपने वहां से करनी है, नंबर लॉन्गेस्ट रूल क्या था, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच इज क्लोजर टू द फर्स्ट ब्रांच, ब्रांच ये है तो वन टू थ्री फोर फाइव। इन दिस केस आप नंबरिंग यहाँ से करें यहाँ से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब देखें आप थर्ड पर ब्रांच है ना इधर से करें तो वन टू थर्ड पर ही ब्रांच होगी, तो इसका नाम क्या होगा, थ्री मिथाइल, ये एल्काइल ग्रुप है ना, गाइल ग्रुप है, थाइल पेंटेन। अच्छा, ये जो आपने ये किया थ्री मिथाइल पेंटेन और टू मिथाइल पेंटेन, ये दो आइसोमर्स हैं, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चले, अब मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप सोचें इसमें ये क्या होगा। जी क्या होगा, अच्छा देखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से शुरू करते हैं, वन टू थ्री फोर, इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो, इधर से आओ तो वन टू थ्री फोर, उसके अलावा
कलर चेंज कर लेते हैं ना ताकि पता चले। 1 2 3 ये भी आ सकते हो, ये ठीक है। अच्छा अब इस रेड, अच्छा इधर इस रेड वाले को कंसीडर करते हैं और इस ग्रीन वाले को कंसीडर। जब हम ग्रीन वाले को कंसीडर करेंगे तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 और इसका नाम होगा 2,3-dimethylbutane। ग्रीन वाला तो ये है, रेड वाला भी यही होगा क्योंकि रेड वाले को आप नंबर करोगे यहाँ से 1 2 3 4 तो ये भी यही हो जाएगा। 2 पर ब्रांच है 3 पर ब्रांच है तो 2,3-dimethylbutane ठीक हो गया। अगला स्ट्रक्चर है ये, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट बहुत ज्यादा, 1 मिनट दे रहा हूँ, इस पर कंसिडर करें कि क्या होगा। तो आई एम श्योर आप लोगों ने सोच लिया होगा कि क्या है इसका। तो स्टार्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करनी है। तो आप 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो हम 7 वाली चूज करेंगे ना। तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इसका नाम क्या होगा, इधर CH3 है। अच्छा स्ट्रक्चर में ये भूलना नहीं है आपने। इसका नाम हो जाएगा 3,4-methylheptane। सेवन है ना तो हेप्ट होगा, बस हेप तक ही आता है, ऑक्ट नैन डेक तो नहीं आता। अच्छा ये CH3 है इस स्ट्रक्चर में, ये ड्राइंग करते वक्त गलती हो गई, ठीक है सॉरी। तो ये CH3 है इधर। आगे इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करें, शाबाश देखते हैं आप क्या फाइंड करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें स्ट्रेट है, ये 1 2 3 4 5 अब आप इधर से इधर भी जा सकते हो, 3 4 5 इधर भी रह सकते हो, हम स्ट्रेट लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा इसमें क्या होगा, 3-ethyl-2-methylpentane ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर भी आपके पास आ गया। आगे चलते हैं, माशाल्लाह हमारी स्पीड बहुत अच्छी जा रही है कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसको, और अगर टाइम हुआ तो हम आगे एल्कीन्स भी कर लेंगे आज ही। अच्छा जी अब इसका फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसकी भी आप स्ट्रेट ही लो तो ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रेट आ गई ना। नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि ये ब्रांचेस पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये क्या होगा, 3-ethyl-2-dimethylheptane ये भी आ गया। अच्छा सर में बात ये है ना कि मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, वरना तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि आपको 3-4 कराऊं और आगे चल पड़ूं, लेकिन एक एक स्ट्रक्चर जितने भी मेरे पास इधर हैं स्लाइड्स पर ये सारे मैं करवा रहा हूँ। अच्छा जी अब इसको करना है, तो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, इसकी स्ट्रेट ही होगी ठीक है। तो ब्रांच नंबरिंग कहाँ से होगी, ए से या बी से, बी से 1 2 3 4 5 पहली ब्रांच देखे ना 2 पर है, इधर से नंबरिंग करोगे तो पहली ब्रांच भी 2 पर ही होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है, 2 2 3 4 टेट्रामिथाइलपेंटेन। टेट्रामिथाइल कैसे, टेट्रामिथाइल ऐसे, टेट्रामिथाइल ऐसे कि एक मिथाइल ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने मिथाइल हो गए, 4
और चार क्या होता है, टेट्रा। ये टेट्रा पैक वाले जूस नहीं है, ठीक है, ये टेट्रा है, ये वाला टेट्रा मिथाइल पेंटेन है। मूविंग ऑन, ये स्ट्रक्चर है। इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसी होगी, इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी होगी, 1 2 3 4। नाम क्या होगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट ही होगी, 1 2 3 5। नहीं पढ़ता नंबरिंग, ए से करें या बी से करें। इसका नाम क्या होगा, 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा ये भी कर लें, अब ये सेकंड लास्ट है, तो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 5, 5 बांध रही है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है, 4 पर ही रुक जाए, 1 2 3 4 5, 2-3-डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक हो गया। ये देखें इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, नहीं 4 5 6 7। नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग यहां से करेंगे, नहीं जाए लो, मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था। नंबरिंग आप लोग करोगे, असल में मैं देख रहा था कौन सोया हुआ है और कौन जाग रहा है, अटेंटिव है। 7 नंबरिंग करोगे इधर से, 2-मिथाइल हेप्टेन। हो गया।